तुम्हें 4 साल पहले बतानी चाहिए थी ना। 4 साल के साथ बता सकती थी ना। अब नहीं चाहिए मुझे। अब हुआ क्या है सर, क्या हो गया वैसे? नहीं चाहिए ये सब। क्यों रीज़न? क्या बस कमी थी मुझे? कमी की बात नहीं है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस दैट आई जस्ट डोंट वांट दिस नाउ। क्या कोई तो रीज़न होगा, ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए तुम ये कह रही हो? विवेक नाम है हमारा। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? आप चाहिए क्यों? उन्हें छोड़ो ना, तुम मेरे साथ आइए, तुम मुझसे बात करो ना। क्यों खड़े हैं? पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक प्लेस में सिर्फ आई थिंक। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक प्लेस में हम यहाँ नहीं वहाँ नहीं यहाँ नहीं वहाँ, हम जहाँ चाहे वहाँ खड़ा हो सकते हैं, ये हमारा राइट है। आप करो ना बात ना, हमसे क्या मतलब है? तुम करो अपना जो भी करना है वो काम करो ना। दैट इज द पॉइंट, यू डोंट सी व्हाट ही इज डूइंग। एंड क्या तुम्हें नहीं दिख रहा तुम क्या कर रही हो? तो ऐसा कुछ हुआ तो होगा जो ये चीज तुम्हारे मन एक्चुअल में ये तो बताओ। विवेक भाई आप? भाई आकाश। कार्तिक। और आप? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों लड़ रहे हो आप लोग? नहीं बस कुछ नहीं, ब्रेकअप चाहती हूँ, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो आप इनसे ब्रेकअप करना चाहते हो? ये करना चाहती हूँ। अच्छा तो क्यों आप ब्रेकअप करना चाहते हो? तो मतलब एकदम से जब ये चीज तुम्हारे माइंड में आई है तो उनसे कोई रीजन तो होगा, कुछ तो हुआ होगा, या फिर मैंने कुछ गलत किया? नॉट अ पर्टिकुलर रीजन। मतलब रीजन जानने का तो मेरा हक है ना। दिस इज माय पर्सनल थिंग, आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। मजाक थोड़ी है यार ये, 4 साल से हम साथ थे और तुम एकदम से अचानक से आके कह रही हो कि बस मेरे को नहीं चाहिए रिलेशनशिप, मेरे को ब्रेकअप करना है, तो कुछ तो रीजन होगा। मैंने ऐसा कुछ गलत थोड़ी किया है। क्या नहीं हो रहा बताओ तो सही, समझाओ तो सही। यार ये रिलेशनशिप मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बस यार ऐसे तो नहीं होता, ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये दोनों हम दोनों की है, क्योंकि रिलेशनशिप हम दोनों का है। तो अगर आगे हमें कुछ प्लान करना है वो तो हम दोनों की मर्जी से होगा ना। और अगर तुम कुछ तुम कह रही हो कि तुम्हें ब्रेकअप करना है तो कम से कम मुझे बता दो सही कि क्या रीज़न है। हाँ आप बोल सकते हो ना, अगर कोई रीज़न है तो आप बोल सकते हो कि क्यों छोड़ रहे हो आप उसको। सॉरी बोल रहा हूँ अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात हर्ट हुई हो, बट कम से कम यार ऐसे तो मत करो ना। तो ये चीज़ तुम पहले बता सकती थी, अब बता दिया ना। हाँ तो 4 साल में अब जाके बताया है? 4 साल में नहीं था बट अभी कुछ टाइम पहले हुआ था जो भी यार। रिलेशनशिप में मजाक थोड़ी है। हो गया काटते? क्या हो गया, समझो यार, मत करो यार ऐसे प्लीज। नहीं पसंद हो अब यार, नहीं पसंद हो तुम मुझे, क्या करूँ मैं? पहले तो पसंद था, अब क्या हो गया? बोलो या प्लीज ऐसे मत करो भाई। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों से यार? भाई प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो इसका मतलब उसका पैर छुलोगे? जाने दो यार, ये तुम्हारी फीलिंग नहीं समझेंगी, ये नहीं समझेंगी, इनके अंदर फीलिंग नहीं है यार। यार भाई अगर मैनेज क्या मेरे खर्चे तो मेरी 4 साल से करते रहा था, मुझसे जो हो सका मैं वो कर रहा था। नहीं हो पाएगा यार, एक बात बताओ। मानता हूँ मैं औरों की तरह अमीर नहीं हूँ, बट यार हर चीज पैसा थोड़ी होती है। नॉट लाइक दैट, यार भी तो कोई चीज होती है। नहीं हो पाएगा कार्तिक, यू कैंट अफोर्ड मी, यू कैन अफोर्ड माय एक्सपेंडिचर इन एनीथिंग। तो लाइक है मेरा बॉयफ्रेंड, वो तुमसे ज्यादा अच्छा कमाता है एंड ही इज लाइक वो कमाता है, मैं आगे कमा सकता हूँ। मेरी अभी बीबीए कंप्लीट हुई है, आगे अगर मेरी एमबीए कंप्लीट। आई थिंक यू आर अ मनी माइंडेड। नॉट आई थिंक यू आर अ मनी माइंडेड। ओके यार हर चीज पैसा थोड़ी होती है। आप क्या कर रहे हैं बात? मैं उससे बात कर रही हूं, आपसे क्या मतलब? अब हमसे बात करो ना, क्या बात कर रही हो आप उससे? आप पैसे दिखा रही हो उसको?
आप कहाँ से आए हैं प्लीज? आपका नाम क्या है? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा आप अफोर्ड की बात करें, आपकी क्या हैसियत है बताइए, हम देख लेते हैं। हाँ बता दीजिए ना, पैसे ही देख लेते हैं भाई। दो मिनट तुम शांत रहो, मैं देख लेता हूँ। बताओ कितना पैसा है आपके पास? पैसे की क्यों बोल रहे हैं भाई, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ मैं। मैं नहीं जानता तुम दोनों कौन हो, कितना पैसा है आपके पास बताओ, एक्सप्लेन करो। मनी एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। कैसे उठाएगा? सीज अ मनी माइंडेड, खर्चा डजंट मैटर, पैसा मायने नहीं रखता मोहतरमा जी। क्या मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत आगे पीछे घूमते हैं मेरे ऐसे, आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं उससे बात करूं। अच्छा ऐसे किया ऐसे? आप क्यों आ मतलब ऐसे किया ऐसे? ऐसे किया ऐसे? टेल मी, ऐसे किया ऐसे? हमारी दोनों की बात है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम ऐसे कर क्यों रही हो? पता नहीं ऐसे क्या ही हुआ है भाई। काहे रो रहे हो यार, वो नहीं समझेंगी, वो मनी माइंडेड है, उनको पैसे चाहिए, उनको माल्या चाहिए। चार साल से तुम घंटा कुछ नहीं होगा भाई, तुम जैसे लोगों का कटता ही है, इतना सीधे बनोगे तो। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई की हो यार, सब कुछ किए हो, और तुमको इन सब चीजों में है, इनके चक्कर में भाग रहे हो। अरे MBA कर लो, जॉब करो कहीं पर, ये तुम्हारा चूतिया काट लेंगी। अब तक इनके पीछे कितना पैसा खर्च किया हो? 4 से 5 लाख। ठीक है, आप 4 से 5 लाख दो उसको। फर्जी से किया, उसने किया तो किया, आप कौन होते हैं मांगने वाले? वो मांगेगा मेरे से अगर आपने उसके पीछे खर्च किया? आज तक कभी इसने आपके पीछे खर्च किया है? 1 रुपया नहीं खर्च करवाया भाई मैंने आज तक, किसी चीज की कमी नहीं होने दी भाई। उसकी मर्जी थी यार, उसकी मर्जी थी, उसने खर्च किया मेरे पे, मैंने नहीं कहा था उसे खर्च करने के लिए। वाह क्या बात है, आपका तो स्वागत करना चाहिए फूल माला लेकर। आपसे क्या मतलब है? मेरी और उसकी बात चल रही थी, हो गया, उसने स्पेंड किए मेरे पे, खर्च किया उसने, उसकी मर्जी थी। एंड लाइक आई हैव बेटर क्वालिफिकेशन देन हिम, आई एम अ बीटेक फ्रॉम CS, आई एम डूइंग दिस फॉर अ बेटर जॉब, आई हैड अ बेटर जॉब, आई हैव अ बेटर जॉब। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आप जैसे बीटेक वाले मेरे ऑफिस में आकर के मेरे यहाँ पोछा लगाते हैं। आम आई आई टी एन ओके, आप उसको समझाओ जो नहीं जानता है। आप जैसे क्वालिफिकेशन वाले, सुनो, आप जैसे क्वालिफिकेशन वाले मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगाते हैं। बात कौन कर रहा था आप ये बताइए। आप क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? आप मनी माइंडेड हो या सियानो हो ना? आपसे क्या मतलब? आप मनी माइंडेड हो? आप मनी माइंडेड हो? सर्वर मत बोलो मुझे, आप मनी माइंडेड हो? I have money and आपके जैसे लोग को मैं हैंडल करती हूँ पूरे दिन। अब कितनी हैसियत नहीं कि आप हम जैसे लोगों को हैंडल कर लो, प्लीज नहीं कर पाओगे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चीप पीपल कांट अफोर्ड मी भाई, यू कॉलिंग मी चीप? आपकी मेंटालिटी चीप है। क्यों खड़े हो यहाँ पे? अब करवा दिया ना ये सब, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी इसे। इसे क्या होता है, इतना डरोगे ना जिंदगी कैसे चलेगी दोस्त? हो गया आपका? ऐसे सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बाय द वे विवेक, हाय विवेक, नाम क्या? सौम्या। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? आई एम कोर्समेंट बीटेक एंड आई विल गेट अ बेटर जॉब देन हिम। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यस ही वाज। अच्छा तुम्हारी क्या हैसियत है बताओ? चलो सर ऐसी की बात नहीं है, पैसे होने चाहिए, एवरीवन शुड हैव दिस। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? खुला ऑफर है। तुम्हारा कितना खर्चा होता साल भर का? ₹50 लाख? आई गेस इट इज 1 करोड़ तुम पे खर्च करूंगा साल भर, ट्रस्ट मी। गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी?
श्योर? गर्लफ्रेंड छोड़ दिया उसको, जो पहले था उसको भी छोड़ दिया 100%? आई एम योर बॉयफ्रेंड रियली, मैं कैसे मान लूँ? अभी तो बात हुई हमारी, आपने बोला तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गए, आपके लिए सब कुछ पैसा ही है ना? पैसा इम्पोर्टेंट है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? ओह आई थिंक आई एम रिच राइट? आई एम रिच ना? मैं अभी बोला यही, आई रियली लाइक यू, मैं आपको सच में पसंद करने वाला हूं। तो आप मेरी गर्लफ्रेंड, फिर हम चल सकते हैं लाइक डेट वेट पे? यस वी कैन। आ जाइए फिर, उसको तो छोड़ दिया ना? यस। आ जाइए फिर, इधर आइए जरा एक मिनट। बाय द वे आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि मैं आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करूँगा, और ये सारी एक्टिविटीज आपकी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। फेस छुपाने से नहीं हो जाएगा, आपकी सारी एक्टिविटीज कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुकी है, और आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप मुझे कॉफ़ी पे ले जा सको। यार जो आदमी तुम दो मिनट में किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना ली, तो तुम्हारी क्या वैल्यू होगी बताओ? ऐसे करती हो लोगों के साथ, शर्म नहीं आती? सच बताना, झूठ मत बोलना। अच्छा लगता है ऐसा करना? अच्छा लगता है ऐसा करना? हर किसी को चाहिए यार पैसा। पैसे के लिए खुद को बेचना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचना अच्छा है? जाओ यार, मुझे तुम जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए। और मैं तो यार उसको भी बोलूंगा जो तुमसे प्यार व्यार करे ना, वो चूतिया है। गाइस मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे लोगों से मोहब्बत करके इनकी खूबसूरती पे मत जाओ। कुछ नहीं रखा इनकी खूबसूरती में, लूट जाओगे आप लोग। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ। समझ में नहीं आता, भगवान ने सुंदरता तो दे दी, थोड़ी अकल दे देती। चलिए जाइए, आप करके बात कर रहा हूँ, जाइए।